तो गाइस हम लोग निकलने ही वाले थे, तभी हमें ऑन द वे इंडियन आर्मी का एक टीम मिला है। वो लोग भी आए थे ऊनकुटी घूमने के लिए। आप लोग उनसे जानिएगा ऊनकुटी के बारे में कुछ बातें। तो आप लोग भी सुनिए उनका बातें। ये तो भाई अद्भुत है। त्रिपुरा जो अपना सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध है, इस ये बिल्कुल परिपक्व हाउस, ये दर्शन अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पे आके और अपने त्रिपुरा में दर्शनीय स्थल हैं जो उनकी शोभा बढ़ा सकते हैं आके। और ज़्यादा प्रकाश डालने के लिए हमारे रमन सर और फिर बाद में हमारे बाटी साहब उस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। सर आप मतलब यहाँ पर तो पहली बार हो आप? जी तो यह पहली बार आके ये जगह पे देख के आप लोग, आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा फील हुआ। ये हम लोग पूरी टीम आई है और हम लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के बारे में पता चला कि ऊनकुटी यहाँ एक जगह है जो पौराणिक स्थल है, तो हम लोग की मन में लालसा हुई कि एक बार विजिट किया जाए। और यहाँ आने के बाद ये पता चला कि बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है और पर्यटक भी बहुत मात्रा में यहाँ मैंने देखा। और हम लोग एक स्टेट से नहीं है, हम लोग विभिन्न स्टेट से आए हुए हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ आने के बाद पता चला कि हाँ यहाँ एक पर्यटक स्थल है जो त्रिपुरा के ऊनकुटी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यहाँ आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा फील हुआ और मैं और भी दर्शकों से आग्रह करूँगा कि यहाँ एक बार जरूर विजिट करें। थैंक यू सर। ये चढ़ाई उड़ाई करके आपको कैसा लगा? चढ़ाई करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम सोचते हैं कई आदि हमारे कई साथी थे, लग रहा था चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने ऐसे ना हंसते खेलते वहाँ पर चढ़ाई कर गए। सब बूढ़े भी यहाँ जवान बन गए, जवान तो भी तो उनको तो बात करने में तो नौजवान हो गए, लेकिन हमारे बूढ़े भी कई सब यहाँ जवान हो गए। जितने हम कई स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, अभी कोई थकान महसूस नहीं, सब जैसे घूम करके आ गया, थकान महसूस नहीं हुई। बहुत बढ़िया सुंदर ये दार्शनिक भी है और साथ ही हमारा दैविक स्थान भी, देवों का ना स्थान है ऊनकुटी, बहुत बढ़िया है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर, वेरी वेलकम। सर आप कहाँ से हो? हाँ मैं उत्तराखंड से हूँ, हाँ देहरादून से हूँ। वैली ऑफ फ्लावर्स या देवभूमि बोल सकते हैं, देवभूमि बोल सकते हैं। आपको ये तो पहली बार हुआ आपका? हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट विजिट है। नॉर्थ ईस्ट में तो पहली बार? हाँ नहीं, नॉर्थ ईस्ट में तो मुझे काफ़ी साल हो गया। हाँ तो ये आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत रमणीय स्थान है। और क्या है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस जगह को और इसको थोड़ा सा मतलब कि इसको जागरूक किया जाए यहाँ के बारे में, है ना। काफ़ी अच्छा स्थल है। और हाँ जैसे गुवाहाटी में आपके कामाख्या माँ कामाख्या है और वो है आपके जो उनके उमानंदा है ना टेंपल है, तो उसी तरीके से अगर इसको भी देखा जाए तो यहाँ ऊपर भी जाके देखा कि शिव मंदिर भी है ऊपर जाके लास्ट है ना, लेकिन उसको कोई सुधार की जरूरत नहीं, कोई वो है नहीं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इसको और खूबसूरत बनाया जाए। खूबसूरत तो है ही है क्योंकि प्राकृतिक तो है, नेचुरली है ना, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा ध्यान दिया जाए तो काफ़ी, तो इससे क्या है कि यहाँ के जो आम लोगों के लिए भी वो थोड़ा स्कोप टू स्पोर्ट बनेगा। तो मैं फ्रॉम बंगाल, अच्छा। बंगाल से आया हूँ कोलकाता। हाँ। फर्स्ट टाइम हम लोग नलकटा में रहता है, उधर से आया। हम लोग पूरा टीम है हमारा, ये पूरा टीम है, ये टीम के साथ आया है। जो हम लोग जब रोड से आ रहा था, दोनों साइड से देखा है रोड कनेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये मंदिर के लिए और रोड कनेक्शन हो जाए, इनका रोड कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए ताकि हमारा जितना दर्शक है वो इधर आए विजिट करे और तदस्य आए। ये हमारा जो हमने वैष्णव माता दर्शन किया है लाइक दिस, वैष्णव माता जब हमने नीचे गया है, नीचे से ऊपर पहाड़ी देखा, हमने बोला वैष्णव माता मंदिर से फिर भैरव कुंड बोलता है उसको, हाँ उतना दूर है। तो हमारा जो साथी है साहब है हमारा, ये हमको जोश दे के लेके गया, मैं बोला इतना दूर हम चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन इन्होंने इतना जोश दिया है, मैं चढ़ के फिर वापस भी आ गया। थैंक यू सबको थैंक यू। बस इस जगह को देखने की बहुत ही इच्छा थी, लालसा थी, क्योंकि यहाँ वादियों में घूमते घूमते जंगल ही जंगल दिखाई देता है, तो जंगल में कहीं मंगल का पता लगा, इसलिए पता लगाते लगाते हमारे सभी सामान लोग साथ में हम भी आ गए। तो इस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी हैं, अभी शायद 85 करोड़ दिए हैं, आए थे तो, और यहाँ दे करके और इसको एक भव्य दृष्टि के रूप में भव्य स्थान बनाने की अंदर से इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि मैं उस जिला से बिलोंग करता हूँ, जिस जिला का रहने वाला हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश जिला बागी बलिया है, बागी बलिया से ही आज़ादी की शुरुआत हुई थी 48 घंटा पहले।
हमारे यहाँ जो बलिया था वो आज़ाद हो चुका था, तो वहाँ का रहने वाला कार्मिक मेरे दिल के अंदर ये है कि इस जगह को अब कोई कमी नहीं है, क्योंकि धार्मिक दैविक दैहिक यांगलिक ले लीजिए हर साइड से ये क्या है, परिपूर्ण रूप से है, परिपूर्ण है। इसको और परिपूर्ण बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड की जरूरत है, और सीमा सुरक्षा बल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ की कलाकृतियाँ और जितने जो सुंदर का वर्णन किया जाए उतना ही कम है। कुदरती सब कुछ अपने आप से बना हुआ है, और ये दृश्य को देख के पत्थरों पर अनेक अनेक प्रकार के कलाकारों ने अपना कला का प्रदर्शन दिखाया है। इस चीज़ को देखने के बाद अच्छा लग रहा है। इन्वायरमेंट जो यहाँ का है वातावरण कुछ गजब ही अपने आप में अनोखा है, जिसका वर्णन करने का वो जितना भी किया जाए उतना ही कम है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, भारत माता की जय। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश में हम जाएंगे। भोपाल गए थे, भोपाल में बहुत मजा आया, उत्तर प्रदेश में भी जाना है।